ओके जी, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय बाय। ओके, ये भाई ने हमें हाईवे तक छोड़ दिया। वैसे ये भी हाईवे ही है और कोहरा हो रखा है, सुबह सुबह बहुत ठंडी हो रखी है। हाँ, फोटो लेना, फोटो। ओके चलो फोटो ले लेते हैं भाई के साथ, फिर ऊपर चढ़ना है। ये देखो कुंडली मानेसर हाईवे, भूत बहुत, मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही, मेरा हाथ जम गया है पूरा। ये देखो ग्लव निकाल के पहना है मैंने अभी अभी, बहुत हाथ जम गया है मेरा। ये देखो कुंडली मानेसर, ये हाईवे है, पूरा ठंड हो रखी है, पूरा कोहरा हो रखा है। दिसंबर, आज क्या जनवरी, yes. कितना डेट है आज? 12 जनवरी का डेट है आज, शुरू कर रहे हैं हम, गुजरात जाएंगे, देखते हैं। और ठंड हो रही है यार, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। पता है दिल्ली में था ना तब उतनी नहीं लग रही थी, हाईवे पे आना हाथ जम गया मेरा भाई बिल्कुल। अब यहाँ से शुरू करना है, भाई को फोटो देके, बस फोटो देके भाई को यहाँ से निकलते हैं ऊपर की साइड। ओके चलो शुरू करते हैं। चलो बाय बाय बाय, थैंक यू। चलो भाई, भाई को फोटो दे दी, अपना एडवेंचर शुरू करते हैं। ये देखो ऊपर उस वाले हाईवे के ऊपर चढ़ना है अभी, कन्याकुमारी वाली अभी शुरू करी थी ना सुबह, तो अभी कुछ ही नवंबर में, शायद नवंबर या अक्टूबर में शुरू करी थी, तो यहीं से सेम सब कुछ हो रहा था। मैं यहीं से ऊपर जा रहा था, इससे यहीं से शुरू करी थी, जयपुर का ही टारगेट था और सब कुछ, मतलब सेम हो रहा है। मतलब यही हाईवे जाता ना आपको, कन्याकुमारी जाना है या कहीं पर भी जाना है, तो ये बहुत फास्ट हाईवे है, तो मैं आगे से ज्वाइन कर लूँगा या यहीं से ऊपर चढ़ जाऊँगा। वैसे तो यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, ये जो गाड़ी आ रही है मैं इनसे ही लिफ्ट ले लेता हूँ। और ये देखो हरे भरे खेत, ये देखो, और पूरा धुंध हो रखा है एकदम काला। अगर लिफ्ट मिल गई तो और अच्छी बात है, देखते हैं। थोड़ा आगे टोल आ जाता है। ओके, टोल बूथ अहेड। वैसे मैं यहीं से ऊपर चढ़ जाता हूँ, पर थोड़ा सा ही आगे जाके तो मर्ज हो जाता है। ये इसी में ही रोड जिस पर मैं चल रहा हूँ और ये ऊपर वाला एक ही है, तो मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ। टोल बूथ का ये सुंदर नज़ारे, ये देखो पूरा खेत ही खेत। ओ भाई, जो स्टार्टिंग होती है ना पहली, तो वो उसका मज़ा ही अलग होता है, पूरा फ्रेश होते हैं, एनर्जी फुल होती है, कैमरे की बैटरी फुल होती है और स्टोरेज फुल होती है। मतलब कि थोड़े दिन बाद ना स्टोरेज ऐसा प्रेशर सा आ जाता है, यार एडिट करना है। अभी तो लेकिन सब कुछ एडिट करके आया हूँ ना, मैं दिल्ली में आता हूँ, मतलब 50-60 दिन घूमता हूँ मैं एवरेजली, और फिर दिल्ली में आके आराम से काम करता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं ट्रैवल में रहते हुए भी एडिट करता हूँ, और दिल्ली में आके ज़्यादा एडिट करता हूँ, तो पूरा फ्रेश हो जाता है। हार्ड डिस्क में मतलब फाइनल फाइल बना के मैं हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर देता हूँ सब कुछ, और पूरा फ्रेश हो जाता है, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, सब कुछ जो भी है। पेन ड्राइव तो अभी हमें पिछली वाली यात्रा में मिली थी, जो कन्याकुमारी वाली थी, उसके बाद हमारी वैसे एक और यात्रा हो गई जो क्या थी, हिमाचल वाली। कौन कौन पूरी फॉलो करता है मेरे को बताना कमेंट में ज़रा। वैसे काफ़ी लोग हैं जो पूरा फॉलो करते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे भी, और उस पर भी मज़ा आ रहा है यार। सुबह सुबह हाथ ठंडे हो गए पर मेरे, लोग बोल रहे कौन सुबह सुबह ये इतनी जल्दी सर्दियों में कहाँ पे कौन सी यात्रा कर रहे हो, भारत यात्रा भाई। ओके, मेरे को ऊपर वाले रोड से ज़्यादा चांस है मिलने के, वो वाला पूरा डायरेक्ट हाईवे है ये जयपुर तक। पहले आएगा मानेसर, बिलासपुर, ये सब आएगा, और फिर जयपुर तक की डायरेक्ट मिल जाती है। बहुत आसानी से आप जयपुर घूम के आ सकते हो यार, मतलब भारत यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये भी छपवा भी लोगे आप तो भी, मतलब ऐसे आसपास चले जाओ 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, पर मैं पूरा कवर्ड हूँ, मतलब मैंने बहुत सुरक्षा ले रखी है सर्दी से, बहुत अच्छे से भाई पैक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है बस। ये देखो सनसेट, ओ सॉरी सनराइज, सुंदर हाईवे। थैंक यू। आप कितना किलोमीटर जा रहे हैं आगे? बादली कितना किलोमीटर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। ओके, ये आप आगे टांग सकते हैं, थैंक यू। 20 किलोमीटर बादली की लिफ्ट मिली है, पहली लिफ्ट सुबह की, थैंक यू। ओ अरे यार ग्लव्स पहने हुए हाथ में भी नहीं आ रहा। ओके थैंक यू, रेडी रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल डकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर।
यू, बाय बाय। बहुत ठंडा भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, नाक चलने लग गई। क्या क्या बोलूं, हेलमेट भी उड़ रहा है, नाक से पानी गिरने लग गया। पर मैं पूरा कवर्ड हूँ, मतलब मैंने बहुत सुरक्षा ले रखी है सर्दी से, मैंने बहुत सुरक्षा ले रखी है सर्दी से। हाँ ठंडे हो गए पूरे, गोप्रो का बटन भी नहीं दब रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा। इतनी सर्दियों पूरा जम गया मैं तो। ओह गॉड, इतना तो हिमाचल में भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। होट भी जम गए हैं मेरे। होट भी नहीं हिल रहे मेरे से, बोला भी नहीं जा। ओके, लिफ्ट मांगना है, बोलने का फ्लो भी। मसल्स पूरे स्टिफ हो गए हैं मेरे आसपास के, ये बोला है। क्या हो रहा है, ये तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ सर्दी में। गॉड, मसल स्टिफ हो गए, बोलो ही नहीं जा रहा है, थोड़ी देर में बोलता हूँ, बाय बाय। ये देखो भाई, यात्रा करने के लिए जब मैं घर से निकलता हूँ तो ये बैग के अंदर रहता है, लेकिन मैं फिर निकलता हूँ तो ये निकाल लेता हूँ मैं अपना। भारत यात्रा का एक तो बोर्ड हो गया, और ये मेरे सर पे एक हेलमेट हो गया, और ये सनग्लासेस अभी थोड़ी देर में यूज़ होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये जो बाहर का ये है ना, हमेशा बैग ऐसा लो कि आप बाहर की पॉकेट या ओपन रहे। यहाँ पे मैं अपना ये दस्ताना डाल देता हूँ, या ये डाल देता हूँ, या ऐसी कोई भी चीज़ जो क्विक में डालनी होती है, जैसे ये कचरा डला हुआ है इसके अंदर, इस वक्त थोड़ा सा कचरा है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं डाल देता हूँ। और बैग कैसा लेना चाहिए, आप मेरे से बार बार पूछते हो कि ये बैग कैसा लेना चाहिए। बैग में बस एक ही चीज़ जो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं रखनी ध्यान, एक तो ये देखो इसके पीछे ना लोहे का फ्रेम लगा हुआ है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, मैं बताता हूँ कैसा बैग लेना चाहिए। देखो बैग के लिए एक तो साइज़ ध्यान में रखना है, 60 लीटर 70 लीटर, ज़्यादातर लोगों की जो हाइट होती है ना वो 60 लीटर के लिए ठीक रहती है, मतलब 60 लीटर का बैग लेना चाहिए, 60 लीटर का बैग इनफ रहेगा। ये 80 लीटर का बैग है, मतलब 70, और प्लस यहाँ पे एक और अटैच होता है, ये देखो चेन देख रहे हो ना, ये चेन, यहाँ पे एक और बैग अटैच होता है जो कि मैंने अभी हटा रखा है, जिसने सारी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा मैंने दिखाया था। तो इस तरह का बैग होता है, आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी हाइट मेरे जितनी नहीं है, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको 60 लीटर का बैग लेना चाहिए, वरना वो आपके बम पे ऐसे बार बार टच होएगा और सही नहीं रहेगा वो। तो 60 लीटर का बैग अगर आपकी हाइट कम है तो 60 लीटर का बैग सही है, बल्कि और अगर आप छोटे हो तो 50 लीटर का बैग लेना चाहिए। मेरे को बड़ा वाला इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि जो कैंपिंग टेंट की डंडियाँ है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की है, कैंपिंग टेंट की डंडी किसी भी ऐसे मिडिल साइज़ बैग में नहीं आ सकती। मेरा कैंपिंग टेंट जो है ना, मैं उसको ओपन करके रखता हूँ, तो उसकी डंडी बहुत बड़ी है, तो वो मैं इसीलिए बड़ा वाला बैग रखता हूँ। वैसे वो 60 लीटर में भी आ जाती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा बैग लिया है इस बार, तो इसमें इजीली सारा सामान फिट हो जाता है और बहुत स्पेस बचा रहता है, अभी भी खाली है इसके अंदर स्पेस। तो इस तरह का ये कुछ सामान का मैंने अपडेट देना था, बताना था आपको। बाकी ये देखो नज़ारे, नज़ारे बड़े सही चल रहे हैं, पूरा खाली है यहाँ पे, अकेले अकेले घूम रहा हूँ। ये देखो लिफ्ट लेता हूँ इससे। ओके, अभी बैग वैग नहीं पहन रखे तो नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा, मैंने बोला ना बोर्ड बनवाना पड़ेगा आपको, बोर्ड बनवा लो, एक ऐसा भारत यात्रा का बोर्ड बनवा लो साइबर कैफे से, साइबर कैफे या कहीं से भी आपका एक ऐसा बोर्ड बन जाएगा ना, आपकी पूरी यात्रा फ्री हो जाएगी, जैसे मैंने करी है, 2 साल से घूम रहा हूँ, एक भी रुपया नहीं लगा। मज़ा इतना आता है, मज़ा बहुत आता है, मतलब इसमें जो ऐसे करने का ना एडवेंचर, मेरे को मतलब जयपुर जाना होता तो मैं एक बस में बैठ जाता जाके, या एक रेलगाड़ी में बैठ जाता और वो छोड़ देती मेरे को सीधा, लेकिन इसमें जो मज़ा है ना उसका कहना ही नहीं है, ऐसे मतलब खाली रोड में ऐसे खड़े हैं। कुछ खाएंगे, हाँ खाने के लिए भी कुछ कुछ सामान मैंने अभी रखा हुआ है, मैंने ब्रेड पकोड़े रखे हुए हैं और स्प्राउट्स रखे हुए हैं, मसालेदार स्प्राउट्स, टमाटर, और वो काट के मैं घर से ही लेके आया हूँ, तो घर से लेके आने चाहिए थोड़ा बहुत सामान अपने साथ खाने का। और मेरे पास बिस्किट और नमकीन भी है, तो ये ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें खाने के अपने साथ रखोगे ना तो आपका 0 रुपये खर्चा होगा, 0 रुपये में आप पूरा भारत घूम सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ऐसे करके कुछ खाना वाना हमेशा जहाँ पे भी मौका मिले तो रख लो थोड़ा बहुत खाना, जैसे मैंने रख लिया, और फिर आपका खाने का भी नहीं लगेगा। बाकी जो लिफ्ट देते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं बोलते हैं ज़बरदस्ती ले चलो ढाबे पे या चाय पीते हैं या ऐसा कुछ,
लेकिन खाने का खर्चा होता भी नहीं है कुछ, जितना आपका घर पे होता है उससे तो कम ही होता है ट्रैवल में। इसीलिए बोलता हूँ घर पे रहने की कॉस्ट ज़्यादा होती है, ट्रैवल की कॉस्ट जीरो होती है। मैं लिफ्ट ले लेता हूँ। एक ना मेंटल प्रिपरेशन होती है हर चीज़ के लिए। जैसे आप लोग अभी घर से बैठ के देख रहे होगे ना कहीं से, तो आपको लग रहा होगा कि मेरी यात्रा बहुत मुश्किल है या ऐसा कुछ, लेकिन मेरे को ये मुश्किल नहीं लगती है, मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। जैसे आप लोग सोच रहे होगे अभी मेरे को सर्दी लग रही होगी, या लग तो रही है वैसे, पर इसको इन्जॉय करने के लिए जब मेंटली आप रेडी हो जाते हो ना, तब ये बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल होती है ये एडवेंचर या ये सब। मतलब हम तो वो है जो शुरू से ही बियर ग्रिल्स और वो सब देखा करते, सर्वाइवल शोज देखते थे डिस्कवरी वगैरह पे, तो ये सब तो मैं सोचता था। मतलब हाईवे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ रहती थी कि हाईवे पे जाएंगे ये वो, और आज मतलब बड़ा ही मज़ा आता है। मतलब जब मर्जी मैं हाईवे पे जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, और उसका पैसा भी नहीं लगता। और उसके पैसे भी मिलते हैं, बल्कि उल्टा यूट्यूब से या जैसे भी उल्टा पैसे मिलते हैं, और इन्जॉय भी हर दिन इन्जॉय भी करते हैं, और सपना भी लाइफ का जो मतलब बचपन से हम सोचते थे कि ऐसे ऐसे ट्रैवल। देखो सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये देखो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, पूरा पार्क है। तो मतलब ये जो पूरा सपना पूरा हो गया ना, बड़ा एकदम लाइफ से सेटिस्फेक्शन आता है, बोला ही नहीं जा रहा यार। अभी भी ठंड के मारे ना ये आवाज बहुत करते हैं यार। ये देखो सोलर पैनल्स, ठंड के मारे मतलब स्टिफ हो रखे अभी भी मसल्स, थोड़ा थोड़ा बोला नहीं जा रहा है। ये बादली वाला रास्ता कट गया है, जिन्होंने हमें लिफ्ट दी थी वो बादली की तरफ कट गए हैं। ओके, जयपुर अभी यहाँ से लगभग शायद 200 किलोमीटर होगा, पता नहीं, टाइम भी देखता हूँ, 9 बज गया होगा शायद अभी लगभग, फ़र्क नहीं पड़ता। बस अर्ली मॉर्निंग शुरू करो आप, हमेशा अर्ली मॉर्निंग शुरू करोगे ना 250-300 तो आराम से हो जाएगा कभी भी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि टारगेट हमेशा 200 का बनाओ, ज़्यादा ईजी लगेगा फिर आपको। ये देखो सोलर पैनल और सुंदर रोड, और अभी भी कोहरा हो रखा है, अभी तक कोहरा हो रखा है। मैं अभी घर पे होता तो मैं अभी बेड से भी नहीं निकलता, मतलब काम करते रहते, तो अपना काम ऐसे ही है यार, बेड में ही सारा काम हो जाता है, खाना वाना भी बेड में ही मिल जाता है दिल्ली में तो, पर यहाँ पे आते हैं तो उसका अलग मज़ा है। जयपुर 200 किलोमीटर। थैंक यू। आप कहाँ पे जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो जयपुर जा रहा हूँ। मानी सर, ओके। ये भैया ने खुद ही आके रोक लिया ट्रक, मेरे पास पैसे नहीं है पर ओके। ये भैया ने खुद ही आके यहाँ पे ट्रक रख दिया, बोले माने सर उतार दूंगा। मैं बोला ठीक है चलो थोड़ा सा ट्रक से चलते, वैसे रोड साफ है तो दिक्कत नहीं है। ये पकड़ना, ओके काट दिया। ओके थैंक यू जी। कैमरा किस लिए ऑन कर रखा? ये भारत यात्रा कर रहा हूँ मैं। ओके ये भाई साहब ने हमें लिफ्ट दिया, कहाँ से हो आप? अयोध्या। अयोध्या, ओके अयोध्या से है ये अंकल जी। ओके आप मानेसर तक ही जा रहे हो ये सामान लेके? बिलासपुर जाऊँगा। बिलासपुर, ओके ये बिलासपुर जा रहे हैं, सही है। सुबह सुबह का मजा ही अलग रहता है यार। पलवल 87 मानेसर 40 किलोमीटर और फरुखाबाद 13 किलोमीटर बता रहा है। ये देखो सुंदर नज़ारे। एक मिनट ये देखो भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ ना अपनी यात्रा को 4 बजे के आसपास समाप्त कर दिया करो। क्यों बोलता हूँ मैं अभी बताऊँगा। देखो ये भैया बताएंगे, आप क्या बोल रहे थे अभी? मैं कहा इतने बजे पर 6 बजे बाद बैठाए थे हैं, तो साले चोर बदमाश मिलते हैं। अच्छा तो साले मोबाइल छीन लेते हैं। अच्छा तो इसलिए रोकना भी नहीं चाहिए ट्रक को ना रात में? रात में ही रोकते हैं। अच्छा रात में कभी नहीं रुकते, चलते रहते चाहे साला हमारे घर का क्यों हो सकता है। अच्छा हम नहीं रुकेंगे। ये देखो अंकल जी बोल रहे हैं कि 6 बजे के बाद हम ट्रक रोकते नहीं है, इसीलिए भी मैं बोलता हूँ कि 4 बजे के आसपास अपनी यात्रा को समाप्त कर दो, ताकि आप अच्छे से जगह पर रुक जाओ। और ये भी बोल रहे हैं, और कई लोग मैंने भी महसूस किया कि रात में कोई क्यों रोकेगा यार ट्रक वगैरह, उनका भी खतरा रहता है, तो इसीलिए रात में नहीं रोकता कोई भी ट्रक। इसीलिए मैं बोलता हूँ अर्ली मॉर्निंग शुरू करो और 4 बजे के आसपास अपना समाप्त कर दो। अब मैंने आप देखो लाइव सुनवा दिया आपको,
और सबका यही होता है भाई, रात में कोई क्यों रोकेगा, थोड़ा सा रिस्की भी रहता है हाईवे पे। और ये खुद ही बोल रहे हैं कि चोर लुटेरे रहते हैं ना बहुत सर, बहुत बहुत। अच्छा, अब बनके ऐसे भोला बनते हैं, अब बैठ जाते हैं, जब बाबूजी करके बैठते हैं, उसके बाद भैंस जाते हैं, भैंस निकाल देते चप्पल बगल में, भोले बन के बैठ जाते हैं पहले। बोले पहले बाबूजी करके बैठ जाते हैं, खाली जगह देख के चाकू निकाल के लगा देते हैं। तो भाई आपका आपका कोई रहा है ऐसा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? बत्तीस बार हो चुका है। और एक बार फ्लिपकॉर्ट हुआ था मेरे साथ, कहाँ पे? पिलखुआ। हाँ, यूपी। यहाँ हुआ था, गुड़गांव में हुआ था। कितने रुपए मांगता है, बोलता है वो? मोबाइल भी ले लेता है क्या? ले लेता है, जो जेब में सब ले लेगा, या तो मार खाओ। अच्छा, यहाँ लगा दिया सीधा। हाँ, जो है झिड़के मरा देना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, 200-400 रुपए ही थी। हाँ, मोबाइल था, 1200-1300 वाला मोबाइल थी। हाँ, ले लिए, बाकी कुछ नहीं करता वो, बाकी आराम से जाने देता है। फिर जो ले लिया अपना उतर जाते हैं, चले जाओ। अच्छा, नहीं तो साले मार देंगे। ये रहता है भाई, देख लो लाइव सुनवा रहा हूँ, लाइव एक जो रोड पे रहते हैं उनसे रोड की कहानियाँ सुनने में ये सब एक्सपीरियंस रहते हैं। मैं कई बार नहीं रिकॉर्ड कर पाता हूँ, कई बार ऐसे ही बातें होती हैं, लेकिन बहुत ट्रैवल करने से बहुत चीज़ें पता चलती हैं आपको, इसीलिए करना चाहिए। और रात में ट्रैवल मत करना, बस यही बोल रहा हूँ। बाकी मज़ा आ रहा है। मानेसर पहुंच गया हूँ, एक ट्रक मिल गया था डायरेक्ट मानेसर ने, मैं छोड़ दिया। यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होता है, यहाँ से मेरे को और गाड़ियाँ ज़्यादा मिलने का चांस है, क्योंकि एक मेजर जंक्शन है और बहुत इंडस्ट्रियल है, तो बिजनेसमैन और वो वाली ट्रक वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती जाती रहती हैं। डायरेक्ट कई लोगों का चक्कर लगता है जयपुर और दिल्ली के बीच में, तो ये वाला पॉइंट है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? मैं तो जयपुर जा रहा हूँ। ओके, हरियाणा वाले का भाई, आप कहाँ जाओगे? हाँ बोलो। साउथ वाले तो डर जाते हैं, बोले हरियाणा वाले आके हरियाणा में एटीट्यूड दिखाते हैं, पर उनका वो टोन ऐसा होता है यार, मतलब जो लोगों ने किया होगा ट्रैवल उनको पता चल जाएगा कि वो हरियाणा वाले का टोन ही ऐसा होता है, ऐसा लगता है लड़ाई कर रहे हैं। ओके भाई, चलते चलते ऐसे ही लिफ्ट मिल गई, देखो। ये भाई बोल रहे हैं हाँ इधर ही जाएंगे। हेलो, किस तरफ जा रहे हो आप? इस तरफ जाएंगे। हाँ, कितना हाँ, किलोमीटर? एक किलोमीटर। एक, अरे यार एक। हाँ, यूट्यूब ट्रैवल विदाउट मनी सर्च करना यूट्यूब पे। हाँ, लाइव चल रहे हो? लाइव तो नहीं है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है शाम को। ठीक है, ठीक है भाई। बोला एक किलोमीटर जाएंगे। ओके, माने सर यहाँ मिल जाएगी, मतलब मेरे को जयपुर का उतना बड़ा नहीं लगता, एक ही लिफ्ट में हो जाता है यहाँ से काम। मज़ा आता है यार ऐसे, थोड़ा सा नींद आ रही थी यार मेरे को ट्रक में ना, अभी हल्के हल्के नींद आ जाती है। चलो शुरू करते हैं। ये देखो ये कितना बड़ा इसका क्या भरा हुआ है इसके अंदर, देखो ये फट जाता है ना यहाँ से, ब्लेड मार रखा वो मार रखे सिलाई, भूसा भरा हुआ है इतना बड़ा ही, ये रख दे, पता नहीं ये यहाँ पे ऐसे कैसे। अच्छा, इसके ऊपर लोडेड है ये देखो, इसको जोड़ देते हैं, ये इसको ट्रक में जोड़ देते हैं और ये लोडेड है। मैं बोला ये क्या है ऐसे रखा हुआ है? ओ भाई, ओवरलोड होके चलना इंडिया में बहुत क्या बोलते हैं, अच्छा ये जो ओवर साइज़ होता है ना, इसको भी ओवरलोड में गिना जाता है। सिर्फ वेट नहीं होता, ये जो जितना व्हीकल का साइज़ है ना, व्हीकल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन भी ओवरवेट की कैटेगरी में ही आता है। ये देखो ऊपर, ये जो छत के ऊपर निकला हुआ है, लेकिन ये इंडिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो कि फिर तो खेती हो ही नहीं पाएगी, तो ऐसा होता है भाई, थोड़ा सा चल जाता है यहाँ पे। बहुत नॉर्मल है यहाँ पे तो।
लिफ्ट मिल गई। यूपी की गाड़ी है। थैंक यू। आप कहाँ पे जा रहे हो? हाँ, कितना किलोमीटर है इस रोड पे? 7-8 किलोमीटर। ओके, 7-8 किलोमीटर के लिफ्ट मिल गई। रेडी। येलो नंबर प्लेट की यानी कि टैक्सी इनोवा आके रुकी है ऐसा। हेलो, थैंक यू। नहीं, टैक्सी नहीं चाहिए, तो आपकी कमर्शियल गाड़ी है। ओके, मैं लिफ्ट आई एम टेकिंग लिफ्ट। कहाँ पे जाएंगे आप? आई एम गोइंग टू जयपुर। जयपुर? सॉरी सर, जयपुर आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम ओनली 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, राजस्थान की तो गाड़ी है ये, पर ये जयपुर नहीं जा रहे हैं। ओके, वैसे भी येलो नंबर प्लेट है तो अपन काम करने वालों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अपन सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों से लिफ्ट लेते हैं। देखते हैं मिल जाएगी यार। ये सिंगल रोड भी है ना यहाँ पे, ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत, फ्लाईओवर का, तो सिंगल बना रखा है, सिंगल लेन कर रखा है अभी। ओके, रोक दी गाड़ियाँ भी, कंट्रोल कर रहे हैं, ये बड़ा फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो ज़्यादा लग रहा है सिंगल लेन पे ट्रैफिक। ओके, आ गई गाड़ियाँ। ओके, ये हरियाणा की एक गाड़ी आके रुकी है, देखते हैं ये कहाँ जा रहे हैं। थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रेवाड़ी। रेवाड़ी कितना किलोमीटर है यहाँ से? मैं जयपुर जा रहा हूँ, वो रास्ते में आएगा रेवाड़ी? नहीं, वो सब अलग रास्ता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है। ओके, रेवाड़ी जा रहे हैं, ये अलग रास्ता है उसका। वैसे तो जयपुर मिल जाएगी, फिर रोक लिया इन्होंने, मेरे को लगता है ये आधा रास्ता देने के लिए लिफ्ट रोक रहे हैं शायद। जहाँ तक रास्ता जाएगा मैं वहाँ पे। ओके, कितना किलोमीटर तक छोड़ पाओगे आप? मैं 30-40। 30-40? ओके, 30-40 किलोमीटर तक ये छोड़ देंगे, उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलो भाई, ये रेवाड़ी के लिए मुड़ गए, ये वाला रास्ता जो है रेवाड़ी के लिए ये मुड़ गए, मेरे को इस वाले रास्ते पे जाना है, जयपुर वाला रास्ता जो है, यानी कि अब और ज़्यादा डायरेक्ट, मतलब ये रास्ता भी निकल गया, तो अब इस रास्ते पे जो भी होगा वो सारे जयपुर में जाएंगे। अरे यार, क्रॉस हो जाए, रुक जा भाई, चलने दे क्रॉस। ओके, जयपुर का अब आया है डायरेक्ट, ये ज़्यादा डायरेक्ट है। ओके, ये भाई जिन्होंने अभी हमें लिफ्ट दी थी ना हरियाणा के, ये भी ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, हिमालय में कराते भी हैं ट्रैकिंग वगैरह। चलो अब हो जाएगा लिफ्ट। अरे यार, ये काला चश्मे की वजह से लग रहा है मुझे, मैं बोले यार एकदम से ये बारिश वाला मौसम कैसे हो गया, ये मेरा चश्मा लगाने से बड़ा फ़ायदा होता है ये। ठीक है, अब डायरेक्ट लिफ्ट मिलने के ज़्यादा चांस है। आप बोल रहे हो ये मैंने कितनी बार बोल दिया डायरेक्ट मिल तो रही नहीं है, पर यहाँ से हो सकता है मिल जाए, कोई बात नहीं, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ भी, डायरेक्ट मिले या कैसे भी मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है सब सही है, हम बस एक वो अंदाज़ा रहता है तो मैं वो अंदाज़ा बोल देता हूँ कि भाई हाँ यहाँ से मिल सकती है, जो भी है मिल जाएगी। एक गाड़ी आके रुकी है, हरियाणा की गाड़ी है। अरे ये वही तो नहीं है? नहीं, ये तो कोई और गाड़ी, तो दूसरी है ये। थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ओके, कितना किलोमीटर है वो यहाँ से? लाइक 80 किलोमीटर। ओके, थैंक यू, मैं आ रहा हूँ। ओके, 80 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है। ओह नाइस, हरियाणा की गाड़ी है। कोटपुतली करके जगह है, इन्होंने यहाँ तक लाके छोड़ दिया, यहाँ से बस 120 किलोमीटर ऐसे ही कुछ बचा हुआ है। काफ़ी मतलब डायरेक्ट नहीं मिल रही है, पर ठीक है, 80 किलोमीटर थी ये वाली लिफ्ट, ये भी काफ़ी लंबी मिली, ठीक है। अभी थोड़ा मन कर रहा है कि कुछ खा लूँ रुक के, स्प्राउट्स है, ब्रेड पकौड़े हैं बैग में, लेकिन
जगह नहीं मिल रही है कुछ अच्छी, ढाबे वाबे पे बैठ के ही चाय ले लूँगा एक खा लूँ ऐसे सोच रहा हूँ। वैसे उतनी भी ज़्यादा नीड नहीं है, मतलब ठीक है एक छोटा सा ब्रेक हो जाए इसलिए सोच रहा था। ये देखो फिर से आ गई है ओके पूरा ओवरलोड होके चलता है। क्या बोलते हैं इसे, ये क्या होता है? ये चारा होता है, चारा हाँ। गाय का चारा हाँ, गायों का, गाय का चारा होता है इसके अंदर। ओके देखो कितना सारा, इतना बड़ा और ऊपर से ये भी एक सूखा होता है। ये खेत में होते हैं ना हाईवे के किनारे, तो उसमें से होता है ये सब, चलते रहता है बड़े बड़े। और कभी कभी ये जो लॉरी है ना, ये डबल डबल लॉरी लगी हुई होती है, दो दो लॉरी गन्ने वाली। ये देखो यहाँ पर पूरा यही दिखता है, आगे तक खड़ी हुई है बहुत सारी कोटपुतली मंगलदीप पेंट्स एंड प्लाईवुड भाग भाग के जा रहा हूँ मैं। क्यों सामने देखो एक गाड़ी आ रही है, यू टर्न लेके आ रहे हैं ये, पता नहीं शायद जानते होंगे इतनी दूर से आए हैं, बहुत दूर से यू टर्न लेके आए हैं ये, या तो सवारी ले रहे होंगे शायद। थैंक यू। कहाँ तक जा रहे हो आप? जयपुर। जयपुर ओके, ये आप? मैं भी जयपुर। थैंक यू। नाम बता दो अपने। सुमित सिंह। अमन शर्मा। सतीश गुज्जर। राहुल फ्रॉम इटली। अच्छा आप इटली से हो? हाँ जी मैं इटली से। ओके वहाँ पे कहाँ पे रहते हो आप? ब्रेशिया। हाँ ब्रेशिया। अच्छा फिर इंडिया कितने दिन के लिए आए हो? बस हफ्ता रह गया। अच्छा चलो राजस्थान घूमो फिर है। ओके बाय बाय। ये भाई लोगों ने काफी काफी लंबी लिफ्ट दी मुझे, 200 फीट बाईपास यहाँ पे लाके छोड़ दिया है। यहाँ से मुंबई 1162 किलोमीटर, अजमेर 125 और जयपुर तो यही है बाईपास से। ओके पिछली बार भी यहीं पे उतरे थे हम, ये तो जयपुर घूमेंगे या शायद आगे जाएंगे पता नहीं। ठीक है मैं अपने होस्ट को फोन कर लेता हूँ, यहाँ पे कैंपिंग टेंट लगाना है मुझे उनके, देखते हैं क्या होता है, आज कैंपिंग टेंट लगाएंगे, पहले फोन कर लेता हूँ मैं। चलो भाई इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है कि मैं जयपुर में हूँ, अगर आपकी सिटी में मैं होऊंगा तो मैं इंस्टाग्राम पे लगा देता हूँ कि भाई मैं आपकी सिटी में आ गया हूँ। अब जो भी आए होस्ट यहाँ पे आके ले जाए मुझे, 200 फीट बाईपास पे रुका हुआ हूँ मैं, तो ये खा रहा हूँ स्प्राउट्स लेके आया था मैं, थोड़ी भूख लग रही है तो यहाँ पे बैग रखा हुआ है, ऐसे ही एक दुकान है पीछे 200 फीट बाईपास है, ये मेरा बैग रखा हुआ है, थोड़ा खा के फिर आगे जाऊँगा, देखता हूँ कौन लेने आ रहा है थोड़ी देर में लंच टाइम हो गया 2 बज गया है। ये भाई आए हैं, ये भाई अपना सामान यहाँ से हटा रहे हैं ताकि मैं बैठ पाऊँ, हेलमेट भी है मेरे पास निकाल लूँ। और मैं आपकी एक बार बात करा देता हूँ जिनके यहाँ पे मेरे को जाना है, मैं इनकी बात करा देता हूँ, ईजी पड़ेगा बाद में चल जाएगा तो मुश्किल होगा। तो भाई यहाँ पे हम ये अटक गए, या तो मेरे को घूम के आना पड़ेगा या तो यहीं से कूदना पड़ेगा, तो मैं कूदता हूँ, पकड़ना कूद जाता हूँ देखते हैं क्या होता है। बैग वैग सब यहाँ पे ऐसे फेंकने पड़ेंगे, कूदना पड़ेगा, देखो भाई एडवेंचर, ये भी पकड़ना। ओके चलो देखते हैं हम कूद पाते हैं या नहीं। ये गजक वाले भाई साहब ने बोला कि आगे से सीढ़ियाँ आए, चलो आगे चलते हैं। ओके सीढ़ियों से उतरेंगे भाई, यहाँ से तो मैं उतर जाऊँगा शायद। ओके अच्छा ये बना रखा है इन्होंने, देखो चेन से बांध रखा है सीढ़ी को, ये उतर रहे हैं यहाँ से। ठीक है भैया थैंक यू। बाय बाय। यहाँ से थोड़ा सा मन के करना पड़ेगा भाई, देखो ये सीढ़ी को ही लेके ना चला जाए, इसीलिए ताले से बांध रखा है ये सीढ़ी को, चेन और ताले से बांध रखा है भाई बड़ा मुश्किल से लग रहा है पर करना तो ईजी नहीं है। मेरा भारत यात्रा बोर्ड नीचे गिर गया नॉट ईजी, पीछे मेरे बैग लग रहा है ना, बैग टच हो रहा है इसीलिए मुश्किल हो रहा है। ओके ये देखो चेन से बांध रखा है इस सीढ़ी को ओके वरना किसी को पूरा घूम के आना पड़ता होगा। अब मेरे को आगे से किसान ढाबा रेस्टोरेंट आगे से जाके राइट लेना पड़ेगा, फिर भी काफ़ी घूम के आना पड़ा मुझे, चलो देखते हैं हाँ कितना बचा है।
ये एडवेंचर है भारत यात्रा के, ये मजे है यार। पर ऐसी चीजें कैसे पता चलेगी, देखो एलिवेटेड हाईवे बना रखा है पर सर्विस रोड से कनेक्ट करने के लिए सीढ़ी रख रखी है जिसको भी चेन और ताले से बांध रखा है। ये गजक वाले भाई साहब ने बताया था हमें, बोले आगे से उतरो सीढ़ी वो है, और ना यहाँ से कूदना पड़ता भाई साहब, देख रहे हो कितना ऊँचा है। मनी मैं कह रहा हूँ तो होगी नहीं, पैसा किस चीज में लगता है? ये पैसा क्यों नहीं लगता, रहने को खाने को चाहिए पैसा। कहाँ पे रहने को? कहीं भी नहीं, वो कैंपिंग टेंट है मेरे पास। ऐसा कैंपिंग टेंट तो है बट फिर भी ऐसा थोड़ा बहुत तो, ऐसी बात तो है नहीं। आपका समझाओ कि आपने एक रुपया खर्च नहीं किया, सबसे इस पे जुड़े हो। एक रुपया तो मैंने बोला भी नहीं। हाँ फिर भी लगता है ये भाई बोल रहे हैं, मेरे को भी साथ में ले चलो भाई। हाँ ले चलो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये भाई को डाउट हो रहा है, ये भाई को डाउट हो रहा है, बोल रहे हैं यार कुछ तो खर्च होता होगा, बताओ कैसे। होता ही होगा, ऐसी बात नहीं है। आपका घर पे कितना खर्चा होता है, घर पे रहने पे? तो होता ही है। कितना 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 कितने का? पर डे कुछ जोड़ा हुआ थोड़ी है, बट खर्चा तो होता ही है। अच्छा एक महीने का अपार्टमेंट का खर्चा कितना देते हो? ऐसे रहने करने ऐसे मिला के तो 15-16 हज़ार का खर्चा तो आता है। 15-16 ना आता है। चलो आप ट्रैवल करो मेरे साथ, मैं वो 15-16 मेरे को दे दो, मैं उल्टा आपको 10,000 वापस कर दूंगा। लो फिर आप अपने नंबर दे जाओ। पक्का? हाँ पक्का है, कंफर्म। आपका 6,000 आपका एक महीने में 1,000 से ज़्यादा लगने नहीं दूंगा। हाँ। बाकी सारा आपका। हाँ। और आधा मेरा जितना। हाँ। बच जाएगा 16 में। चलो और घूमने को मिलेगा अलग, हिमालय घूमो, समुंदर घूमो। हाँ, गोवा घूमो, जो मतलब वो घूमने के पर्पस से ही तो मैंने बात करी। मैं घूम रहे हो तो एक बार ले लो। एक बार आप मेरा चैनल देखना, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा तो मैंने एक दो बार ही शायद मेरे को नोटिफिकेशन में कभी आया था तो देखा होगा, तो मैं भी आके बोर्ड देख के बैठा। अभी एक मेरा सब्सक्राइबर है वो यहाँ पे अभी हेल्प करेंगे मेरे को, ऐसे होता है मेरा। तो मेरा उस हिसाब से यही हो जाता है, वही है ना कि मेन ऐसे बंदा ऐसे। अभी जब मैं घर दिल्ली से सुबह चला था मैं तो ब्रेड, आप यूं कह रहे हो ना कि एक रुपया खर्च नहीं होता। आप एक रुपया नहीं, मैंने बोला आप ये बोर्ड हटाओ। मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप 5 किलोमीटर दूर जाके देखो, घंटा नहीं जा पाओगे। ये भाई बोल रहे हैं बोर्ड हटा के, बोर्ड हटाओ, ये कैमरा हटाओ, फिर आप 5 किलोमीटर भी जाके दिखाओ तब मैं मानूं। भाई नाम फेम का ही। पहले मेरे पास ये कैमरा और बोर्ड नहीं था, पर तब भी मैं करता था। हो जाता है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और अब निकल ही गए जेब में रुपया ही नहीं है तो फिर तो भाई अपने आप ही वाजिब सी बात है, भूखे रह के रोड पे सोया। मैंने बिस्किट खा के भी सोया हूँ। बिल्कुल वो तो है, फिर ऐसे तो हो जाता है। फिर एक अब आपको ये भी पता चलने लग गया होगा कि भाई कहाँ रुकना सही है, एक्सपीरियंस हो जाता है ना। सारा खेल एक्सपीरियंस और टाइमिंग का है। चलो मेरे होस्ट की होस्ट की लोकेशन मेरे 1 किलोमीटर बची थी, भाई से बात करते करते आधा रास्ता पार हो गया है। आप सीधे ही जा रहे हो? हाँ मैं सीधा ही जा रहा हूँ अगले चौराहे तक। चलो सही है, भाई के साथ चलो। चाय मैं पिला देता हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे तो होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी देखो अभी मेरे को मना कर रहे थे, बोले पैसे लगते होंगे, अभी खुद ही सबूत दे दिया इन्होंने। ये बोर्ड लेके मैं चलता रहता ना, ऐसे बुलाएंगे ये बुलाएंगे, कोई भी बुला लेगा ऐसे, वो तो हो जाता है ऐसे तो। पर वो ये कि पैसा लगने वाली जगह वैसा लगता है नहीं लगता, मेरा नहीं लगता। अभी अभी आपने मेरा चैनल देखा नहीं, अभी देखना आप। ऐसे तो खैर आपके जैसे शायद, क्या पता मैंने चाहे आपका देखा हो, ऐसा मैं नहीं जानता, बट देखा एक चैनल। हाँ। भी है, उसका भी है। हाँ हाँ मेरा ही होगा वो अभी मैंने चश्मा लगा रखा है इसलिए भी नहीं पहचान रहे होंगे। तो कई जने होते हैं ना, कईयों के चैनल देख के कॉपी भी तो करने लगे ना। एक जैसा सिस्टम है। अब जैसे आपने मेरे को बताया फिर ये तो 5,000 का कहीं से मैं भी कैमरा लाऊंगा। 5 नई कैमरे की जरूरत नहीं है आपको, बता रहा हूँ। एक ऐसे लोग फेक ही लाओ चाहे डब्बा हो, थोड़ी वो चल रहा है, प्ले है नहीं है, चाहे सारा चैनल भी ना हो। ये भाई बंदा है ये है तो तेज बंदा भाई। हाँ चलते नहीं, मैं भी भाई फिट का ही काम है, सड़कों पे ही घूम रहा हूँ, 7 साल हो गई है। अच्छा साल में 4 जोड़ी चप्पल घिसता हूँ। हाँ चलते चाय पीते हैं, डेली पी के जाता हूँ। ओके भाई मेरा होस्ट भी वैसे यहीं पे ही आ रहे हैं। हाँ आ जाएगा, बोल देना मीना जी वाले, मैं बात करा देता हूँ दोनों की। बाय बाय। ये देखो ये भाई हमें इस वाली टपरी पे चाय पिलाने के लिए लेके आए हैं। यहाँ पे पीते हो आप चाय? ओके मैं इनको कॉल कर रहा हूँ ये आप। ओके चलो चाय पी लेते हैं, बैग बैग उतार देते हैं, तब तक हमारे होस्ट ट्रेन पे ही आ जाएंगे। हाँ वैद जी का चौराहा की तरफ पहुँच रहे हैं। अब इधर जाओगे आपका? अच्छा आपका उधर है। ओके चलो ठीक है।
फिर होगी मुलाकात। ट्रैवल विदाउट मनी, नाम याद रहेगा बाबा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे कहीं पे भी कमेंट कर देना, मैं पहचान लूंगा बाबा। ओके चलो भाई, वैद्य जी का चौराहा हम लगभग पहुँच ही गए। भाई ने थोड़ा एंटरटेन भी किया, चाय भी पिला दिया। पहले बोले कि ऐसे कैसे हो जाएगा, फिर फिर खुद ही ने चाय पिला दी। मैं बोला देखो ऐसे ही होता है। मज़ा आता है यार ऐसे कोई मिल जाता है, एक आध बंदा ऐसा दिन में रोज़ मिलता है, मज़ा आ जाता है। कभी कैमरा चालू रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी दिमाग ख़राब करने वाले तो ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि ये रहता है ना, तो ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट ही करते हैं मतलब थोड़ा, और कैमरा भी रहता है तो पंगा लेने वाले मिलते नहीं हैं हमें क्योंकि पता ज़्यादातर तो लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं मुझे। तो भाई सबका अच्छा ही रहता है यार, तुम पॉजिटिव रहो सब कुछ अच्छा रहेगा। ये देखो रेस्टोरेंट है, वाइन शॉप है, बस पहुँच गए वैद्य जी का चौराहा। चलो भाई, भाई हमको यहाँ पे लेने आ गए हैं। कितना दूर से आए हो आप? नहीं नहीं मैं तो यहाँ। अच्छा अच्छा, दो मिनट भी नहीं लगेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो भाई, भाई लेने हमको आ गए। भाई ने हमको काफ़ी टाइम से नंबर दे रखा था जयपुर का, आज चलो आज हो गई मुलाकात। भाई बोल रहे थे कि ओला उबर वो भेज देता हूँ। मैं बोला नहीं, उससे पहले तो मैं लिफ्ट लेके आ जाऊँगा, इतने में बुक करोगे ना इतने में तो मैं पहुँच जाऊँगा। पहुँच गया। ऐसा ही बताओ, अगर मैं ओला का इंतज़ार करता तो मैं उससे पहले आता या बाद में? मैंने चाय भी पी लिया। अच्छा चाय पी लिया क्या? हाँ नहीं, ओला भी लगभग उतनी देर लगा था, लेकिन आपने पैदल भी अलग मोटर जितना ही। नहीं नहीं पूरा पैदल नहीं आया मैं, मतलब वहाँ तक तो लिफ्ट मिल गई थी वो सामने जो मेन हाईवे तक। फिर थोड़ा सा गलती ये हो गया कि ऊपर से उतर ही नहीं पा रहा था मैं नीचे ना। अच्छा ओके। बैग वैग ऊपर, हाँ बैग वैग थे तो ऊपर था ना वो। हाँ तो वरना मैं वो ओला एट लास्ट अपन मिल तो गए। चलो भाई, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। लास्ट टाइम काफी हुआ था शायद, आप पहले जो जयपुर आए थे पिछली बार। हाँ कन्याकुमारी जा रहा था तब मैं। अच्छा ओके ओके। और अभी कहाँ कहाँ पर जाएंगे? अभी जाऊंगा गुजरात, अभी जाएंगे गुजरात। चलो भाई, ज्यादातर मतलब की ट्रैवल ही रहता है। अब यहाँ पे आज नाइट रुकूंगा, सुबह सुबह निकल जाऊंगा। अच्छा आज राइट। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।